अपनी लीडरशिप से पूछिए आप क्या लीडर आ जाते हैं सर। आप नून लीग के लीडर हैं, अपना काम करें। वैसे जनरल बाजवा नून लीग के आप डरते क्यों हैं? जनरल बाजवा से डरते क्यों हैं? लीडरशिप से क्या खौफ है जनरल बाजवा से? तो कहा कल की 20 साल दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं दिए जा सकते। आप क्या देखिए, पिछली दफा 25 अरब रुपया खर्च हुआ था टोटल इलेक्शन कमीशन ने, उसमें से भी 18 अरब रुपया खर्च हुआ था, 6 अरब इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख लिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन की फिगर्स बड़ी एग्जेजरेटेड है और मेरा ख्याल में इलेक्शन इससे सस्ता। और अगर हुकूमत के पास इतने पैसे, जो कल इन्होंने वहां पे आर्गूमेंट्स लिए हैं, कोई मुल्क ये आर्गूमेंट लेगा कि हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है? आप कल जो है अपनी हुकूमत को बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बहसियत रियासत 11 महीनों में कोलैप्स कर गया। सर की जो टाइमिंग है फायज ईसा वाली, सर क्या समझते हैं कि अदालत प्रेशर आप डालेंगे? कोई नहीं है यार, फायज ईसा साहब हो, उमर अदा बंदियाल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, अतर मेनल्ला हो, ये सारे आइन के लोग हैं, एक हाथ से आगे नहीं जाता कोई, ये गलतफहमी है। और जो आइन साजी हो रही है अपनी लीडरशिप से पूछिए आप क्या लीडर आ जाते हैं सर? आप नून लीग के लीडर हैं, अपना काम करें। वैसे जनरल बाजवा नून लीग के आप डरते क्यों हैं? जनरल बाजवा से डरते क्यों हैं? लीडरशिप से क्या खौफ है जनरल बाजवा से? तो कहा कल की 20 साल दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं दिए जा सकते। आप क्या देखिए, पिछली दफा 25 अरब रुपया खर्च हुआ था टोटल इलेक्शन कमीशन ने, उसमें से भी 18 अरब रुपया खर्च हुआ था, 6 अरब इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख लिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन की फिगर्स बड़ी एग्जेजरेटेड है और मेरा ख्याल में इलेक्शन इससे सस्ता। और अगर हुकूमत के पास इतने पैसे, जो कल इन्होंने वहां पे आर्गूमेंट्स लिए हैं, कोई मुल्क ये आर्गूमेंट लेगा कि हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है? आप कल जो है अपनी हुकूमत को बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बहसियत रियासत 11 महीनों में कोलैप्स कर गया। सर की जो टाइमिंग है फायज ईसा वाली, सर क्या समझते हैं कि अदालत प्रेशर आप डालेंगे? कोई नहीं है यार, फायज ईसा साहब हो, उमर अदा बंदियाल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, अतर मेनल्ला हो, ये सारे आइन के लोग हैं, एक हाथ से आगे नहीं जाता कोई, ये गलतफहमी है। और जो आइनसाजी हो रही है अपनी लीडरशिप से पूछिए आप क्या लीडर आ जाते हैं सर? आप नून लीग के लीडर हैं, अपना काम करें। वैसे जनरल बाजवा नून लीग के आप डरते क्यों हैं? जनरल बाजवा से डरते क्यों हैं? लीडरशिप से क्या खौफ है जनरल बाजवा से? तो कहा कल की 20 साल दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं दिए जा सकते। आप क्या देखिए, पिछली दफा 25 अरब रुपया खर्च हुआ था टोटल इलेक्शन कमीशन ने, उसमें से भी 18 अरब रुपया खर्च हुआ था, 6 अरब इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख लिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन की फिगर्स बड़ी एग्जेजरेटेड है और मेरा ख्याल में इलेक्शन इससे सस्ता। और अगर हुकूमत के पास इतने पैसे, जो कल इन्होंने वहां पे आर्गूमेंट्स लिए हैं, कोई मुल्क ये आर्गूमेंट लेगा कि हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है? आप कल जो है अपनी हुकूमत को बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बहसियत रियासत 11 महीनों में कोलैप्स कर गया। सर की जो टाइमिंग है फायज ईसा वाली, सर क्या समझते हैं कि अदालत प्रेशर आप डालेंगे? कोई नहीं है यार, फायज ईसा साहब हो, उमर अदा बंदियाल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, अतर मेनल्ला हो, ये सारे आइन के लोग हैं, एक हाथ से आगे नहीं जाता कोई, ये गलतफहमी है। और जो आइनसाजी हो रही है अपनी लीडरशिप से पूछिए आप क्या लीडर आ जाते हैं सर? आप नून लीग के लीडर हैं, अपना काम करें। वैसे जनरल बाजवा नून लीग के आप डरते क्यों हैं? जनरल बाजवा से डरते क्यों हैं? लीडरशिप से क्या खौफ है जनरल बाजवा से? तो कहा कल की 20 साल दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं दिए जा सकते। आप क्या देखिए, पिछली दफा 25 अरब रुपया खर्च हुआ था टोटल इलेक्शन कमीशन ने, उसमें से भी 18 अरब रुपया खर्च हुआ था, 6 अरब इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख लिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन की फिगर्स बड़ी एग्जेजरेटेड है और मेरा ख्याल में इलेक्शन इससे सस्ता। और अगर हुकूमत के पास इतने पैसे, जो कल इन्होंने वहां पे आर्गूमेंट्स लिए हैं, कोई मुल्क ये आर्गूमेंट लेगा कि हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है? आप कल जो है अपनी हुकूमत को बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बहसियत रियासत 11 महीनों में कोलैप्स कर गया। सर की जो टाइमिंग है फायज ईसा वाली, सर क्या समझते हैं कि अदालत प्रेशर आप डालेंगे? कोई नहीं है यार, फायज ईसा साहब हो, उमर अदा बंदियाल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, अतर मेनल्ला हो, ये सारे आइन के लोग हैं,
एक हाथ से आगे नहीं जाता कोई, ये गलतफहमी है। और जो आइनसाजी हो रही है अपनी लीडरशिप से पूछे आपके लीडर का फोन हो गया ना सर, आप नून लीग के लीडर है अपना काम करें। वैसे जनरल बाजवा मैं नून लीग के आप डरते क्यों हैं, जनरल बाजवा से डरते क्यों हैं, लीडरशिप से क्या खौफ है जनरल बाजवा से? जो कहा कल खड़े हो जाएंगे तो 20 साल दिए जा सकते हैं लेकिन 3 मकबा नहीं दिए जा सकते। आप क्या देखिए पिछली दफा 2500 अरब रुपया खर्च हुआ था टोटल इलेक्शन कमीशन में, उसमें से भी 18 अरब रुपया खर्च हुआ था, 6 अरब इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख लिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन की फिगर्स बड़ी एग्जेजरेटेड हैं और मेरा ख्याल में इलेक्शन इससे सस्ता, और अगर हुकूमत के पास इतने पैसे जो कल इन्होंने वहां पे आर्गूमेंट्स लिए हैं, कोई मुल्क ये आर्गूमेंट लेगा कि हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है? आप कल जो है अपनी हुकूमत को बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बहसियत रियासत 11 महीनों में कोलैप्स कर। सर ये जो टाइमिंग है फायज ईसा वाली सर, क्या समझते हैं कि अदालत प्रेशर आप डाल? कोई नहीं है यार, फायज ईसा साहब हो, उमर अता बंदयाल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, अतर मिनल्ला हो, ये सारे आइन के लोग हैं, एक हाथ से आगे नहीं जाता कोई, ये गलतफहमी है। और जो आइनसाजी हो रही है।